हेलो एवरीवन, की हाल है बच्चों? ठीक ठाक। तो हम कर चुके हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, और आज कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सेशन हम कर चुके हैं। और अब है कंपाउंड इंटरेस्ट के सेशन नंबर 2 की बारी। तो होपफुली आप सबको सेशंस पसंद आ रहे हैं, आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो अगर कोई डाउट है या आपको ऐसा लगता है कि कोई और चैप्टर आपको जल्दी करना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो वो भी आपकी जो बात है वो पूरी की जाएगी। बट पढ़ लीजिए, डोंट गो फॉर दैट की नोटिफिकेशन है कि हम तैयारी करेंगे, बिकॉज जिस बच्चे ने नौकरी लेने वो अभी से लगा हुआ जुटा हुआ है, ठीक है? क्योंकि फसल कोई 2 दिन में नहीं पकती, समय लगता है। बीज बोया जाएगा, वो छोटा सा पौधा निकलेगा, वो बड़ा होगा, फिर फल लगेगा, फिर हम उस फल को खाएंगे। बट अगर आप ये सोचो कि जो प्रोसेस 6-8 महीने का है वो 2 महीने में हो, तो फिर बायोलॉजिकली तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? वो लगेगा कि थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहने से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन है आज के टाइम में, अब पंजाब की बात करें कि सीट के पीछे बहुत सारे बच्चे, एक एक नंबर के पीछे बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, आधे आधे नंबर के पीछे मैंने देखे हैं। तो प्लीज़ वो ये ना हो कि मेरा आधा नंबर आता तो ये होता वो होता, कुछ नहीं, नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ, आप में कुछ कमी थी। क्लियर? तो इसी कमी को कौन पूरा करेगा? इसी कमी को भाई हम पूरा करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम की बात कीजिए, चाहे वो आपका बेटा नायब तहसीलदार का एग्जाम है, चाहे वो आपका फूड इंस्पेक्टर का है, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम है हमारा, चाहे पंजाब पटवारी का है, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का है, चाहे पंजाब पुलिस SI का है, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, वो कोई भी एग्जाम है मेरा। अभी मेरे को 30% मेगा ऑफर मिला हुआ है, यानी जो मेरा 25,000 का प्राइस का है वो सिर्फ कितने का मिलेगा मुझे? 17,500 का। क्लियर? तो अभी अवेल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। क्लियर? तो चलिए चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ₹1,000 में चार्ज एट 50% पर एनम, व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक मैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया उसमें 2 साल का 3 साल का पूरा पूछा जाता था, बट अब क्या पूछ रहा है? सिर्फ तीसरे साल का। तो ₹1,000 देखिए, 50% का मतलब कितना है? 1/2, यानी इसका 1/2, यानी कितना होगा? 500। इसका 1/2 कितना होगा? 500। इसका 1/2 कितना होगा? 250। ये तो 2 साल का होगा। अब इसके बाद जो भी मैं प्रोसेस लगाऊंगा वो तीसरे साल के लिए होगा, यानी ये ब्लैक वाला क्या है मेरा? तीसरे साल के लिए 500। तो बेटा कितना? 500 प्लस 250 कहाँ से आएगा? अच्छा लास्ट वाला है 250 प्लस 250 प्लस 125, तो ये कितना होगा मेरे पास? 1125, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास सी साफ साफ दिया हुआ। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा लॉजिकल था, समझ के रखिए इसको जरा। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है मुझे? अ सम ऑफ ₹8,000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड 3 एंड 2 ईयर। इसका मतलब मुझे क्या दिया है? मुझे ₹8,000 दिए हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए लगा दिए गए। क्वेश्चन ने क्या बोला? 3 साल का इंटरेस्ट निकालो, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट निकालो, नॉट थर्ड ईयर। पिछले क्वेश्चन की तरह वो थर्ड या फोर्थ ईयर या सेकेंड ईयर की बात नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है? 3 साल का टोटल निकालिए, 2 साल का निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस बता दो मुझे कितना दिया। तो चलिए लेट अस फाइंड आउट दिस। फाइव परसेंट का मतलब क्या हुआ? 1/20, 400, 1/20, 400। यानी अगर मैं 2 साल की बात करूं
टू ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना हो बेटा मेरा 400, अमाउंट की बात नहीं करी है, 400 प्लस 20 यानी कितना 820 हुआ, क्लियर, 820 हुआ। अगर मैं तीसरे साल को ब्लू कलर से बनाऊं, यानी इसका 1/20 कितना होगा बेटा, अगेन 400, इसका 1/20 कितना होगा 20, इसका 1/20 कितना होगा 20, इसका 1/20 कितना होगा 1, क्लियर। तो 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरे पास, 400 प्लस 20 प्लस 20 जब आपने 2 साल का फाइंड आउट किया, इट कम्स आउट टू बी कितना 820, और 3 ईयर का तो इसमें से क्या कर दो 820 माइनस कर दो, कितना आ गया 441। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कृपया नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्लियर, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, हाँ समझ आ रहा है ना, बढ़िया एकदम, चलिए जी करिए जरा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज 1155, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, वैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, नहीं सिंपल और कंपाउंड दोनों का ही, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल निकलेगा फिर उस प्रिंसिपल से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्लियर। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10%, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टाइम अगर मेरे पास 2 ईयर हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अपने पास 10% हो, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास 21%, इसकी वैल्यू कितनी है 1155, वैल्यू कितनी है 1155, तो 1% की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी 55, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 5500, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 5500। द सिंपल इंटरेस्ट होना सेम सम फॉर डबल द टाइम, इसका मतलब अब क्या निकालना मुझे, सिंपल इंटरेस्ट जिसमें टाइम चाहिए मुझे डबल द टाइम, यानी टाइम कितना चाहिए, हम 4 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहिए मेरे को ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 5%, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 4 × 5 इज इक्वल टू कितना 20%, तो 20% ऑफ किसका निकालना है मुझे 20% ऑफ 5500 यानी 20/100 इंटू ऑफ 5500 5,1100। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देख लिया ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल उत्तर स्पष्ट होगा, कृपया नोट कीजिए फिर चलेंगे आगे। आगे समझे, देखो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के आप क्वेश्चन करो ना, व्हेन एवर यू विल डू कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें ना, प्लीज फॉर्मूला कम से कम लगाइए, जहां लगाना है मैं खुद बता दूंगा भाई इस तरह के क्वेश्चन है फॉर्मूला लगा लो, बट अगर आप ज्यादा फॉर्मूले के पीछे भागेंगे ना फिर वो भगाएगा आपको, फिर वो बात नहीं बननी जो हम चाह रहे हैं, क्लियर। तो अगर अच्छी अप्रोच चाहिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से पूरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, तो फॉर्मूले कम से कम यूज करने हमने ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ मैन सेव्स 50% ऑफ हिज सेविंग्स ऑफ 67280, इसका मतलब एक आदमी का 67,280 रुपए,
जिसमें से 50% उसने सेव कर लिया, यानी कितना 33,640, ठीक है सेविंग अ मैन गिव, और 50% किसको दे, वाइफ, एंड डिवाइड द रिमेनिंग सम बिटवीन हिज टू सन्स ए एंड बी ऑफ 14 एंड 12 ईयर ऑफ एज रिस्पेक्टिवली, ही डिवाइड्स इट इन सच अ वे दैट ईच ऑफ हिज सन व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 18 ईयर वुड रिसीव द सेम अमाउंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम द शेयर ऑफ बी बॉस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, करना तो दूर की बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी के पास 67,280 रुपए, उसने क्या किया 50% जो अमाउंट था ना वो अपनी वाइफ को दे दिया इसमें से, और 50% जो अमाउंट है ना अपने दो बेटों में जो एक 14 साल के और 12 साल के को डिवाइड कर दिया 5% कंपाउंड इंटरेस्ट में। कैसे किया कि जब वो 18 साल के होना तो उनको सेम पैसा मिले, तो आपने बताना है बी का शेयर कितना था, वो एक ही पूछ सकते हो, पूछ सकते हैं डिफरेंस कितना इनके बीच, एनीथिंग कैन बी आस्क बाय द एग्जामिनर, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहले 67,280 कितना आ गया, इसका मतलब ये 33,640 ये डिवाइड किया ए और बी में, ये किसमें डिवाइड किया मैंने ए और बी में, कि अगर मैं बात करूं उनको सेम पैसा मिलेगा मतलब सेम अमाउंट मिल रहा है, यानी ए को जो मिल रहा है कैसे मिल रहा है 1+R/100 नंबर ऑफ ईयर, अभी देखेंगे पहले लिख लूं मैं ये अमाउंट हो गया उसका तो पैसा, और बी को कैसे मिल रहा है बी टाइम्स ऑफ 1/5/100 रेस्ट पर नंबर ऑफ ईयर, यही यूज करते हो आप लोग। देखो अब पहले अगर एक ही बात करूं ए या 14 साल का है तो 18 साल तक जाने के लिए 4 साल, यानी ए इंटू 1+5/100 रेस्ट टू पावर 4। बेटा बी की बात करें बी आज कितने साल का 12 साल का, उसको 18 पे जाने के लिए कितने चाहिए +6 यानी बी +5/100 रेस्ट टू पावर 6। तो क्या ये दो बचा, क्या ये दो बचा, यस ये दो बचा मेरे पास, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना बी टाइम्स ऑफ 1+1/20 इसका, यानी कितना बचा बी टाइम्स ऑफ 21/20 21/20 क्लियर। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ 441/100, यानी ए बटा बी कितना बचा मेरे पास 441/400 यही बचा, यानी मैं कह सकता हूँ ए को जो भी पार्ट था 441 और 400 मिला होगा, यानी 841 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वो कितना था 33,640 अच्छा, तो क्या ये 4 टाइम दिख रहा है आपको, आई मीन 40 टाइम्स, तो इसको 40 टाइम्स कर दो कितना आ गया 16,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्लियर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज इसको देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। चलिए आदित्य हैन भूषण इन्वेस्ट 10,000 ईच इन स्कीम ए एंड स्कीम बी रिस्पेक्टिवली फॉर 3 years। स्कीम ए ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम एंड स्कीम बी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, पर एनम ही होगा वो। आफ्टर 3 years हु विल हैव लार्जर अमाउंट एंड बाय हाउ मच, भाई 3 साल के बाद ज्यादा अमाउंट किसे मिलेगा और कितना, ये बताना आपने, ट्राई करें।
मतलब आदित्य ने स्कीम ए में की और भूषण ने स्कीम बी में की है। देखो आसान, अगर आपको दो तीन चीजों का पता है, इसका मतलब आदित्य स्कीम में 10,000 और भूषण 10,000, क्लियर सर। दैट स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या कर रही है, सिंपल इंटरेस्ट 12%, टाइम कितना, टाइम भी 3 ईयर, यहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना 3 ईयर। पहले वाला तो आसान है, पहले वाला तो बिल्कुल आसान है कि 36% आ गया टोटल, एक साल का 12, 2 का 24, 3 का 36, यानी 10,000 का 36% कितना हुआ, 3600 रुपीज, 3700 रुपये हो गए। चलिए अगर अब मुझे ये चीज नहीं पता कि अगर 10% हो तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के बाद कितना होगा, 33.1%, याद आए कुछ, 10 से 11 नहीं, जो प्रिंसिपल 1,000 रुपये था वो कितना हो गया 1331, समझ आई बात थोड़ी सी कुछ, यानी कितना हो गया 33.1%, इसका 33.1% यानी कितना हो गया 3310, तो कितना आ गया मेरे पास 290 मिलेगा आदित्य को, आदित्य विल गेट कितना अमाउंट ज्यादा 290 रुपये, क्लियर। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। यस वी हैव वन मोर, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 4% फॉर 2 ईयर इज 2488, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, टू मोर क्वेश्चन, यस वी हैव टू मोर क्वेश्चन, थैंक यू। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड, देखो क्या दिए, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम एट 4% फॉर 2 ईयर इज, देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये बात पता हो कि 4% 2 हिसाब से कितना आएगा, 4 + 4 + 4 × 4 = 500, यानी कितना हुआ, इसकी वैल्यू कितनी दी 2448, तो क्या 300 times हुई। अगर ये पता करना हो ना कैसे, कि तो लास्ट क्लास देख लें, उसमें थोड़ा सा एलेबोरेट किया था मैंने, क्लियर। तो 1% की वैल्यू 300, 2% की वैल्यू कितनी 30,000, क्लियर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर सेम पीरियड, अब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4%, यानी इसका 8% निकालना है, 8 के कितना हो गया, ऑप्शन नंबर भी 2400, ये क्वेश्चन गलती से डाला होगा, कंपाउंड का तो है, चलो कंपाउंड से मिलेगा, आया हुआ जब ही डाला है, गलती से क्यों बोला है, जल्दी से नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हम, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, बस ऐसे ही करते जाइए, आनंदित रहेगा माहौल हमेशा के लिए, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक यस नो लास्ट, इरफान बोरोज द सम ऑफ 64,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ही रिपेज अ सर्टन अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹35,700 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, वट अमाउंट डज ही रीपे इन द फर्स्ट ईयर, कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे, कुछ हिंट मिल रहा है, देखो इरफान बोरोज 64,000 एट 5% पर एनम फुल इंटरेस्ट, देखो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं कितना होगा, 5/100 यानी 640 × 5 यानी 3200, यानी अमाउंट कितना होगा मेरे पास 64,000 प्लस यानी 67,200 मेरे पास अमाउंट हो गया, मैंने माना लेट एक्स बी द अमाउंट वी हैव टू रीपे,
तो इसका मतलब क्या होगा, 67200 माइनस ऑफ एक्स, इसका कितना चाहिए, 5, यानी 105 बटे 100, और ये किसके बराबर होगा बेटा, कितना करना है, 7700, इतना अमाउंट हुआ था, मतलब 67200 हो गया एक साल के बाद, उसमें से x दे दिया, अब जो उससे बचा उसका 5% निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 35700, क्लियर, तो ये कितना हो गया भाई, 21 और ये 20, तो क्या इसे मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना हो गया, 70 71, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई, ये कटेगा क्या, कटना तो चाहिए भाई, देखो 7 5100 7 3 1700, ये कितना हो गया, 34000 67200 माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स कितना आ गया, 67200 माइनस 34000 कितना, 33200, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्लियर, नोट कीजिए फटाफट जरा इसको, चलिए तो होपफुली समझ आएगा, ये थे हमारा आज के कुछ ब्रिलियंट क्वेश्चन। मैं अभी भी आपको ये बात कह रहा हूँ, अगर आप नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगी जब मैं तैयारी शुरू करूंगा या करूंगी, तो कहीं ना एक लेट होने के चांसेस हैं आपके, बिकॉज आप उसमें कर क्या रहे हैं, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखा रहे, आप कुछ एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे, तो भैया भगवान भी क्यों सुनेगा, भगवान उनकी सुनता है जो अपनी क्या करते हैं, अपनी मदद पहले करते हैं, मतलब जुड़िए हमारे साथ, चाहे वो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो बेटा, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कॉपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई एक्साइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, आप एक ही पैकेज में जो कि 17500 जो कि 30% की ऑफर मिल रहा है, उसे एक पैकेज में पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, थैंक यू, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई प्रश्न हो कुछ पूछना हो तब भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, थैंक यू।